उसको बाद में बोले कर्ण, कर्ण मतलब कानों से, जैसे हम बैठ करके ये कानों से कथा सुन रहे हैं, इसलिए कानों के माध्यम से हृदय में जाता है, इसको द्वारा भी कल्याण किया, चक्षु कर्ण। उसके बाद में नासिका, नासिका के द्वारा भी कल्याण करते हैं। कैसे कल्याण करते हैं? नासिका के द्वारा कैसे कल्याण करते हैं? कान के द्वारा कल्याण किया, आंखों के द्वारा, तो नासिका के द्वारा कैसे कल्याण होता है? इसलिए नासिका के द्वारा कहते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, ये भगवान की जो शब्द है ये शब्द ब्रह्म है, इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सतफल चित स्वरूपम। बोले जो भगवान का जो नाम है ये मीठा सभी परम मीठा है, और मंगल सभी परम मंगल है, और जितने सारे वेद पुराण उपनिषद का कभी ये सार क्या है, बोले भगवान का नाम। जहाँ ये भगवान का नाम कीर्तन होता है वहां का जो क्लाइमेट एटमोसफेयर है ना, एकदम पवित्र हो जाता है। जितने दूर तक ये शब्द जाता है, जितने दूर तक ये शब्द जाता है, इसलिए भगवान का जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ का जितने सारे वातावरण पूरा पवित्र शुद्ध है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, इसका हवा जो हमारे नाक के अंदर में प्रवेश करता है वो अंदर का भी कल्याण शुद्ध कर देता है। भगवान का नाम में इतने शक्ति, शब्द में इतने शक्ति, ये शब्द में इतने शक्ति है। अगर हम बोल देना हमारा बिल्लो मंगल पर बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत दयालु है, बड़े दानी है, फिर शब्द है ना, तो खुश हो जाते हैं ना, खुश हो। अगर हम किसको बोल दें, अरे आदमी बड़े बेकार आदमी है, हाँ बास बोलते ही छत बिगड़ जाएंगे, शब्द ही तो और कुछ है नहीं है, केवल शब्द ही है। ये शब्द की इतनी शक्ति है, सारा दुनिया शब्द से, मोदी का इतना दाम की बढ़िया लेक्चर देता है उसकी शब्द में इतना शक्ति है, तो सारा दुनिया में जहाँ जाता है लोग लेक्चर से सबको पागल बना दिया। इसलिए ये वाणी में इतनी शक्ति है, इसलिए कहते नासिका जहाँ पर ये कीर्तन हो रहा है उसका जो हवा जब नाक अंदर में चले जाए, बस उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए नासिका बोले जीवा, बोले जैसे जीवा से हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जीवा को स्पर्श करते ही जीवा का भी कल्याण हो गया। और क्या बाकी रह गया, बोले त्वचा, ये स्पर्शेंद्रिय। इसलिए आप लोग देखना कोई कोई व्यक्ति अपना शरीर में ना हरे कृष्ण 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 नाम भी लिखते हैं, कोई अपना शरीर में राधे कृष्ण निताई गौर है, इसलिए अपना शरीर में भगवान का नाम को लिखते हैं। लेकिन भगवान का नाम जब त्वचा को स्पर्श किया उसको द्वारा भी त्वचा का कल्याण। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जो नाम ब्रह्म है, हमारा जो पंच ज्ञानेन्द्रियों को किसी ना किसी तरह से स्पर्श करने पर सारे ज्ञानेन्द्रियों को भी ये कल्याण कर देता है, इसलिए नाम की बड़ी महिमा। आप एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, हम लोगों को पता है नारद बड़े कौपी है, बड़े हम कहता था क्या नारद जी का काम है लड़ाई लड़ा दे, लड़ाई नहीं भगवान की प्रेम भक्त है, उनके बगैर कोई है कोई लीला नहीं होता है। कोई एक राजा था, वो राजा जा रहा था सत्संग सुनने के लिए, राजा का नाम मेरे याद नहीं है, कल बता दूंगा। इसलिए वो राजा जा रहा था सत्संग में, सारे संत लोग वहाँ एकत्रित हो गए हैं, वो जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। कितने में नारद से पीछे से बुलाए, बोले किधर आप, बोले क्या बात है, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले सत्संग में जा रहा हूँ कथा सुनने के लिए, हैं सत्संग में कथा सुनने के लिए जा, बहुत अच्छी काम है, गुरुजन तो यही सिखाया सत्संग में जाओ भगवान की कथा सुनो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होता जब तक तक जीवन में कहीं साधु संग नहीं मिलते हैं, और जब तक सौभाग्य नहीं उदय होता है, बल एक जन्म नहीं
बोले बहु जन्म समर्चित देना, बोले करोड़ों करोड़ जन्म का जब कोई पुण्य उदय होता है तभी जीवन में साधु संग मिलता है। बोले आप लोग तो यही सिखाया सत्संग करनी चाहिए, इसलिए मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोले एक काम करना, बोले क्या है, बोले वहां पर सब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। बोले ऐसे क्यों? बोले बोल दिया ना, वो भी तो पहले राजा थे, क्यों? विश्वामित्र पहले राजा ही थे, हैं? बाद में फिर वो पहले देवर्षि थे, राजर्षि थे, फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि बने, इसलिए वो भी तो पहले राजा था, तू भी राजा, राजा को राजा क्या प्रणाम करोगे, इसलिए उनको प्रणाम नहीं करना। बोले ठीक है, नारद जी का आदेश को पालन करते हुए गए और उन्होंने जितने संत समाज में बैठे हुए थे उन्होंने सबको एक एक प्रणाम किया, चरण धूल दिया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। बस प्रणाम नहीं करते, आपको पता विश्वामित्र कितने बिगड़ने वाले हैं? पहले उन्होंने पता नहीं कितने अनर्थ उन्होंने किया है, हाँ? जब वशिष्ठ उनको उनको जब तक राज देवर्षि नहीं बने ना, बड़े अनर्थ उन्होंने किया है, इसलिए जब उनको प्रणाम नहीं किया विश्वामित्र इतने भड़क गए। एक व्यक्ति आए, सारे संत बैठे हुए सबको प्रणाम किए, अगर बीच में एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं तो किया, कितना बड़ा इंसल्ट होता है, कितने बड़े इंसल्ट है। और अगर अकेले कोई आपको कोई इंसल्ट कर ले ना, आप तो आप मान लो, लेकिन भरी सभा में सभी को सामने अगर कोई इंसल्ट अगर आपको भी सहन नहीं कर सकते, अकेला कर दो भैया कोई बात नहीं। इतने दुखी हो गए, इतने भड़क गए, सीधा भगवान राम को दरबार पास में पहुंचे। उस समय भगवान राम ऑलरेडी सैन्य कक्ष में चले गए थे। बोले विश्वामित्र जाकर के लक्ष्मण को बोले, अब लक्ष्मण चौकीदार काम कर रहे हैं, बोले अभी अभी मैं राम से मिलना चाहता हूँ। बोले राम अभी विश्राम कर रहे हैं, बोले राम अभी विश्राम कक्ष में चले गए। बोले यही तो राजा का राज देश का राजा जब विश्राम करते तभी इतने अनबनी होता है, इतना गड़बड़ी होता है। बोले हो गया क्या? बोले राम से बताऊंगा हो गया क्या, अभी हमको जाना है। वो बोल रहे थे ऑलरेडी प्रभु चले गए सैन्य कक्ष में, लेकिन जब लक्ष्मण और विश्वामित्र में जो इतना द्वंद्व हुआ, इतने प्रभु राम को कान में पड़े, प्रभु राम निकल कर गया। बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया मतलब संत समाज के अपमान है, हैं? ये राजा आया और वहां जितने संत लोग बैठे हुए थे सबको प्रणाम किया, लेकिन मेरे को भरी सभा में मेरे को प्रणाम नहीं किया। इतने बड़े अपमान को मैं कैसे सहन करता हूँ? इसलिए इतने में रामचंद्र ने प्रतिज्ञा किया, बोले मेरे गुरु जी की अपमान, क्योंकि उनको अस्त्र शिक्षा किसने दिया? विश्वामित्र ने अस्त्र शिक्षा दिया है। बोले मेरे गुरु जी की जिसने अपमान किया, कल सूर्यास्त के बाद उसको मैं गद कर दूंगा। भगवान राम ने प्रतिज्ञा ले लिया, बोले ऐसे दंड होनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों को दंड के बगैर इनकी बुद्धि नहीं सही होता है, इनके दंड होनी चाहिए। जब भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर दिया कल सूर्यास्त के बाद में उसको मैं जान से खत्म कर दूंगा, इसको सुनते ही ये बात भेद है वो राजा को कान में पहुंचा। राजा सुनते ही इतने घबरा गया, राजा इतने घबरा गया, इतने में उसने इधर बैठा। इसलिए वो इतने राजा घबरा गया इतना, हाँ, अभी घबराते हुए अभी नारद ढूंढ रहे नारद जी कहाँ गए, लेकिन उस समय तो बिना बुलाए अपने आप मिल गए। अभी उनको ढूंढ रहे लेकिन नारद मिल नहीं रहे, नारद बड़े पहुंच गए ना, कि उनको जब सुना कल सूर्यास्त के बाद में भगवान किसको अगर बोले हम उसको सूर्यास्त को मार में मारेंगे, भगवान की प्रतिज्ञा को फल कोई टाल सकता है? कोई टाल सकते नहीं। इतने में जब रोने लग गए, इतने में नारद जी पहुंच गए। बोले क्या बात, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले कल भगवान राम ने प्रतिज्ञा क्या किया, कल सूर्यास्त के बाद में मेरे को मारेंगे। बोले अच्छी बात है, एक दिन तो सबको मरना पड़ता है, इसलिए एक दिन सबको मरना पड़ेगा। बोले मरना तो पड़ेगा, लेकिन भगवान बोल रहे मारने के लिए, बोला इस और भी अच्छी बात है, क्योंकि भगवान के हाथ में जो मरता है ना उसको मुक्ति मिल जाती है, अच्छी बात है, प्रभु राम तेरे को मारेंगे पर मुक्ति हो जाएगी। बोले यही तो बात, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बोले क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे बात आपने बता दिया,
विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, मैंने सबको प्रणाम की और उनको प्रणाम नहीं किया तो भड़क गए और प्रभु राम को पास में शिकायत कर दिया। और प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की सूर्यास्त के बाद में जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी की भरी सभा में अपमान की उसको मैं प्राण से प्राण ले लूंगा। अभी क्या होगा बताओ? अभी रोने लगे, बोले एक काम करो, बचना चाहते बोले हाँ, बोले एक काम कर जाओ वहां पर एक गुफा है, ये गुफा में श्री अंजनी मैया है। अंजनी मैया कौन है? बोले श्री हनुमान जी की माता जी, बोले उनकी शरण में चले जा। लेकिन पहले ये बात बोलना नहीं, जे राम ने प्रतिज्ञा की पहले उनको कसम खिलाना मेरे को बचाओगे तो फिर मैं बात बचूंगा। हैं वहां जाकर के तो गुफा को सामने रोने लग गया, रोने लग गया तो माँ तो बड़ी ममता होती, बड़ी दयालु होती। इतने में अंजनी माता निकल कर के बोले बेटा क्या हो गया? माता जी के चरण में गिर करके फूट फूट कर जोर जोर से रोने लग गया। बोले मैं बताऊंगा अगर मेरे प्राण बचाओगे तो। तो उसने प्रतिज्ञा ले लिया, पिता कोई बात नहीं मैं कसम खाता हूँ तेरे को मैं प्राण बचाऊंगा, तेरे को मैं प्राण बचाऊंगा। बोले बताओ, बोले मेरे को विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, विश्वामित्र मेरे को मरवाना चाहते हैं। बोले कोई नहीं, कोई चिंता मत करो बेटा, तेरे को मैं प्राण दान करूंगा, बचाऊंगा, कोई चिंता मत कर। बोले जा अंदर में बैठ जा। इतने में हनुमान जी आए, रोज जैसे आते प्रभु को सेवा करके सारा दिन। शाम को जब हनुमान जी आए, इतने में अंजनी मैया दुखी देखा, बोले माता जी आपको दुखी, बेटा रहते हुए माता कोई दुख हो सकता है? बोले बेटा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बोले बेटा रहते हुए आप चिंता क्यों करते हो? बेटा है ना प्राण दे करके मैया तुम्हारी में सेवा करूंगा, बताओ क्या तुम्हारी दुख है? बोले एक काम करना पड़ेगा, एक शरणार्थी हमारे चरण में शरणा लिया है इसलिए कहता है उसको विश्वामित्र कल उनको मरवाना चाहते हैं, मैंने कसम ले लिया तेरे को मैं प्राण दान करूंगा, कोई चिंता मत कर। इतने में हनुमान भी कसम खा लिया, बोले चिंता मत करो हम उसको प्राण देकर हम प्राण बचाएंगे। फिर उसको बोला बताओ क्या बात है? बोले कल मेरे प्रभु राम मेरे को सूर्यास्त के बाद मरवाना चाहते हैं। बोले क्या तुमने क्या बोल रहा था? विश्वामित्र मरवाना चाहते हैं, अब उधर राम बोले विश्वामित्र उनसे मरवाना चाहते हैं। बोले तुमने बड़े गड़बड़ी कर दिया, अगर और कोई व्यक्ति अगर मरना चाहते थे फिर तो हम कुछ कह सकते हैं, आप बता रहे हो मेरे प्रभु साक्षात भगवान सत्य संकल्प, सत्य संकल्प है, जो बात को एक बार संकल्प कर लेना उसको सत्य कहते हैं। आप भगवान अगर स्वयं सत्य संकल्प संकल्प किया सूर्यास्त के बाद में उसको मारेंगे, उससे कौन बचा सकता है? तो देख बेटा मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तू जिंदा रहोगे, अगर मैं मर गया तो फिर नहीं बता सकता। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। इतने में सवेरे हनुमान जी जल्दी जल्दी चले गए, रोज सर लेट में जाते हैं, एकदम सवेरे सवेरे चले गए। देखा भगवान राम चतुरंगनी सन्नी को सजा सजा करके निकल रहे। इतने में हनुमान जी ने कहाँ जा रहे हो प्रभु जी? बोले ऐसे ऐसे बात मेरे गुरु जी का अपमान हुई है और मैंने संकल्प किया जिसने मेरे गुरु जी का अपमान करे सूर्यास्त के बाद में उसको बद करूँ। बोले प्रभु साधारण बच्चा है, छोड़ दो जो हो, तुमको तो पता नहीं हनुमान की प्रतिज्ञा की। बोले जो हो गया प्रभु, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, क्यों क्रोध कर रहे सब आपकी बच्चे? बोले नहीं, गुरु जी को सामने मैंने प्रतिज्ञा की, अब मेरे गुरु जी की अपमान हुई, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? उसको तो मैं मारूंगा ही नहीं, हाँ किसी तरह से छोड़ूंगा नहीं। इतने में हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको मैं रक्षा कर ली, इसलिए उसको मैंने भी प्रतिज्ञा की उससे रक्षा करने के लिए। बोले जो कुछ तूने कैसे प्रतिज्ञा तुमने कर दी? जब मैंने प्रतिज्ञा किया अब मेरे ऊपर तू कैसे? बोले प्रभु जी मेरे को फंसा दिया, मेरे को पता नहीं आप ही मारने वाले, पहले शरणागत हो गया जब मैंने प्रतिज्ञा की तब उन्होंने बताया। बोले ठीक है तू जो कुछ करना कर ले, लेकिन मैं मारूंगा। इतने में हनुमान जी आए और उसको बोले चलो जल्दी मेरे साथ में चलो। हनुमान जी उसको लेकर राजा को लेकर के चले गए और बोले एक काम करो मेरे पीछे बैठ जाओ और राम नाम का जप करना शुरू करो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि राम है। ये तो भगवान राम का नाम को तुम आश्रय ग्रहण करो, बस
अभी दोनों बैठ करके बोले रघुपति राजा राम रघुपति राजा नीचे बैठा दिया, बोले यहीं पर तू बैठा कर, और बैठा करके एक बार और हनुमान जी आगे बैठ गए। बैठ करके इतने में राम ढूंढे वो गया कहां, देखा हनुमान को पीछे बैठा हुआ है। और इतने में हनुमान जी जो नाम रूपी जो चक्र है, भगवान का नाम रूपी जो चक्र को अंदर में उसको बैठा दिया, यहीं पर बैठो भगवान के नाम को स्मरण करते रहो। इतने में भगवान बाण चलाया, जब बाण चलाया भगवान राम ने, भगवान का राम का बाण कैसे है कि जब राम बाण को पकड़ते हैं ना वो एक होता है, उसको जब निकालते हैं वो हो जाता है 10, उसको जब चढ़ाते हैं वो जाता है 100, जब खींचते हैं वो जाता है 1000, जब छोड़ते हैं वो जाता है 1,00,000, और जब लगता है ना 1,00,00,000। इसलिए राम की बाण में इतने शक्ति, आप रामायण देखे होंगे जब भगवान राम ने रावण के साथ में युद्ध किए, ऐसे बाण प्रहार किया, इतने रावणों को लज्जित कर दिया, रावण जाकर कहा भैया मैंने विष्णु के साथ में भी युद्ध किया, शंकर जी के साथ में युद्ध किया, लेकिन ये राम का बाण ऐसे कब छूटता और कब लगता है पता ही नहीं चलता है। वो भरी युद्ध में केवल मेरे को अपमान उसने किए, ऐसे जो राम का बाण है जब उन्होंने प्रहार किया, लेकिन वो कहाँ बैठा है, प्रभु का नाम रूपी चक्र के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान राम जो बाण चलाते हैं ना, बाण तो चलता है, लेकिन वो जो चक्र के अंदर बैठा है ना, नाम का चक्र रूपी, वो जाता है लगता है, लेकिन बाण गिर जाता है, लेकिन उसको शरीर में लगता नहीं, क्योंकि नाम भगवान से बड़ा नहीं, उनका नाम है और भगवान से अभिन्न उनका नाम है, इसलिए गिर जाता है, किसी तरह से उसको चोट नहीं पहुंचा। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ गया, ये बिल प्रभु का दंड कर रहा है, लक्ष्मण बड़ा क्रोध आया, लक्ष्मण उठाया बाण और मारा हनुमान को, हाँ उसको पीछे बैठा था ना, सीधा मारे तो लगा हनुमान की छाती में, लेकिन लगा तो हनुमान को छाती में, इतने में भगवान राम ने बेहोश हो गया लगा हनुमान की छाती में, लेकिन बेहोश हो गए राम। लक्ष्मण बोले भैया ये कैसे हो गया, हमने तो बाण मारा,
हनुमान को, लेकिन ये राम कैसे बेहोश हो गए? इतने में देखा ना, राम का पास में जाकर देखती, हनुमान को पास में देखा, इसको छाती को देखा, उसका हृदय में सीता और राम का निवास है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, साधव हृदय मुझ्यम साधु नाम हृदय तुहम मत अन्नत ना जानती ना अहम तना कभी। भगवान कहते हैं मैं साधु का हृदय में और साधु मेरे हृदय में। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहाँ पर है? केवल वैष्णव का हृदय में ही गोविंद है। और हनुमान जी ये भगवान राम की एक अनिष्ट भक्त श्री हनुमत लाल जी, और उसका हृदय में राम सुधर निवास उनका हृदय है। इसलिए जिस समय लंका को विजय करके प्रभु राम आए, सीता माता ने देखा अगर ये हनुमान जी नहीं होते है ना, असंभव था मेरे को लंका से आना। ये हनुमान की वजह से मैं किसी तरह से वहां से आ पाए। इसलिए हनुमान की सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए सबसे बड़ा उपहार उसको देनी चाहिए। इसलिए माँ सीता ने अपना गले से गजवती हार को निकाल कर हनुमान जी ने बोले बेटा ये सबसे कीमती हार में तेरे को देता हूँ, तेरे वजह से मेरी उधार हुई। हनुमान जी एक मूर्ति को लेकर के ना एक के दांतों में काट करके देख रहे तो फेंक रहे थे, और एक मूर्ति को काट रहे तो फेंक रहे थे। मैया सीता को तो बड़ा क्रोध हो गया, बोले इतने कीमती हार मैंने तुमको दिया है और तू दांत में काट कर फेंक रहे हो, बंदर को आदर का स्वाद क्या बता है? इतने में जब बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले माता जी मैं देख रहा हूँ ये मूर्ति में मेरे प्रभु सीताराम का कोई छवि है कि नहीं, जिसमें सीताराम की कोई छवि नहीं हनुमान को वस्तु का धारण नहीं करता है। बोले भात तो बड़े बड़े करते हो, अगर ऐसे हो फिर तेरे शरीर में क्या राम सीता, फिर शरीर को फेंक दो। बोले आप देखना चाहते हो? बोले क्या देखना चाहता हो? इतने में भगवान स्वयं हनुमान जी छाती को फाड़ दिए तो देखा सचमुच से हनुमान के हृदय में सीताराम की विश्राम है। बोले श्री हनुमत लाल की जय। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने साक्षात उन्होंने दर्शन किया, फिर तो मैया सीता को विश्वास हो गया। इसलिए बाण लगा कहां पर? हनुमान के हृदय में। लेकिन बेहोश हो गए भगवान राम, बेहोश हो गए। जब राम जी बेहोश हो गए पिता उसका हृदय में साक्षात भगवान राम सीता की निवास है उनके हृदय में निवास है। फिर उन्होंने हनुमान जी को फिर भगवान राम को चेतनता की। जब चेतनता की इतने में वो जो राजा था उसको पूछे तेरे को ये दुर्बुद्धि कौन सा संघ से तुमको ये दुर्बुद्धि हुई, जो कि भरी सभा में तुमने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, कौन सा दुस्संग से? बोले दुस्संग से नहीं साधु संग से। बोले साधु संग से हुई। बोले साधु संग से विश्वामित्र का जो अपमान? बोले कौन सा साधु संग? बोले नारद जी संग से। बोले नारद जी के संग से मेरे की ये दुर्बुद्धि हुई। बोले नारद जी संग से? नारद बड़ा गड़बड़ी आदमी है, ये नारद कहाँ है? देखा श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए। जब श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए इतने में श्री विश्वामित्र जी आ गए। जो विश्वामित्र जी आ गए नारद जी वो राजा जो थे ना राजा को इशारा कर जाओ जल्दी विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े जा करके हैं। इतने में वो राजा गए पर जा करके सीधा विश्वामित्र जी की चरण में गिर पड़े। जो चरण में गिर पड़े संत तो बड़े दयालु होते, संत हृदय नव नीत समाना, सत्व का हृदय बड़े कोमल होता है, बड़ा कोमल होता है, मक्खन से भी कोमल है। संत संघार नहीं रक्षा करते हैं। इसलिए जब देखा संत को चरण में और राजा ने गिर पड़ा, इतने में विश्वामित्र जी अपराध को माफ कर दिया। तो तेरे अपराध मैंने माफ कर दिया। जब उन्होंने उनकी वजह से रामचंद्र मारना चाह रहे थे ना, और विश्वामित्र अपराध माफ जब कर दिए
प्रभु राम से प्रार्थना कर लो, प्रभु आप इसको रक्षा करो। जो रक्षा करो कितने में श्री नारद जी आए, नारद जी आए तो भगवान राम ने डांट लगाए, बोले तुमने इस गड़बड़ी क्यों किया, तुम्हारी वजह से सारी गड़बड़ी हुई है, क्यों किया? बोले प्रभु इसमें एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले मैं तो सारा दुनिया में जाता हूँ, तुम्हारा नाम कीर्तन करता हूँ, जहाँ जाऊँ ना सब लोग मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा है। सारा दुनिया मेरे को यही प्रश्न करता है, भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा। अभी किसको किसको मैं कितना उत्तर दूं? मैंने कहा ऐसे एक नाटक करूं जो अपने आप सबको पता चले जाए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए मैंने ये लीला हमने की। फिर भगवान ने सबको सांत्वना दी और सबको आशीर्वाद दिया। इसलिए यहाँ पर दिखाए, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जब भगवान के नाम को जयकार देते हैं, बोले जयति नामानंद मितद मुरारे, भगवान का जो नाम है इसकी विशेष करके जय जयकार, भगवान नाम की जय जयकार हो। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, हिताई गौर प्रेमानंद की जय, हरि हरि बोल। हाँ, कभी यहाँ तक आप लोग ने सुना, उन्होंने सबका एक एक प्रणाम किया। अभी प्रसंग आता है कैसे नारद जी के बड़े कौतुकी, नारद जी के बड़े कौतुकी है और ये जगत को दिखाना चाहते हैं। जैसे भी भगवान की सभी कृपा पात्र, भगवान के सारे भक्त भक्त हैं, सब भक्त उनका भक्त है सबके सब, लेकिन सबके सब भक्त होने पर भी लेकिन उनका भक्तों में सबसे बड़े भगवान का कृपा पात्र कौन है? ये भक्त में भी भगवान का सबसे बड़े कृपा पात्र है कौन? इसलिए नारद जी ये चीज को जगत को सामने प्रकट करना चाहते, जगत को बचा चले भगवान की सबसे कृपा पात्र कौन है। इसलिए नारद जी ये लीला की। एक समय माघ महीना बड़े पुण्य महीना मानी जाती है। अब देखना माघ महीना में सब कल्पवास करते हैं, गंगा किनारा में जमुना किनारा में सब कल्पवास करते हैं, और इसी माघ महीना में ही ये ब्रज की गोपियां ये कात्यायनी बुझाती है, जो कात्यायनी को पूजा करते हुए कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु ते नमः। इसलिए उन्होंने रतियों की पूजा करते हुए रतियों में कात्यायनी की पूजा और देवी से प्रार्थना करती थी, आप अगर हमारे ऊपर में प्रसन्न हो नंद के लाला जो कृष्ण कन्या हमारे पति बन जाए। इसलिए वो महीना बड़ा महीना है, बड़ा श्रेष्ठ महीना कार्तिक की है, माघ की महीना है। इसलिए उसी माघ महीना में एक समय तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग में गए हो, देखे हो प्रयाग को, कौन कौन प्रयाग गए? एक दो तीन। इसलिए प्रयाग क्या है कर तीर्थ में सबसे राजा प्रयाग। बोले क्यों? बोले वहां पर एक साथ में गंगा जमुना और सरस्वती जो तीनों नदी वो एक साथ में प्रयाग में मिले हैं। इसलिए अब लोग जो माघ महीना में हजार लोग वहां पर कल्पवास करते हैं, एक महीना की वास करके रोज रोज जा करके सवेरे स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, हर जगह में भगवत चर्चा हरि कथा होती है, हरि कथा सुनेंगे और नियम से रहेंगे, हैं बना कर खुद खाएंगे और खूब डांट कर भजन करेंगे, हैं एक कल्पवास। हजार हजार लोग प्रयाग में स्नान करते हैं। एक समय वो तीर्थराज प्रयाग में वहां पर एक बड़ी माधव मंदिर है, जितने साधु संत थे ब्राह्मण लोग थे गए और तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। स्नान करते हुए जो बेणी माधव मतलब गंगा जमुना सरस्वती तीनों ये त्रिवेणी और माधव मतलब भगवान माधव है उस मंदिर में, और वहीं पर ही उसको पास में श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए थे और रूप गोस्वामी को वहीं पर उन्होंने ये रूप शिक्षा उन्होंने वहीं पर उनको प्रदान की है। इसलिए सबके सब साधु सब सब स्नान किया सवेरे सवेरे और आकर के उसी मंदिर में बेणी माधव का दर्शन किए और वहां पर बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। ये देखो तुम बड़े भाग्यवान हो, वो अपने आप को भाग्यवान नहीं करे, ये तुम सब बड़े भाग्यवान हो।
एक में तो महात्मा में था, फिर त्रिवेणी में स्नान, उसके बाद में फिर ठाकुर जी का दर्शन और इतने साधु संत का सम्मिलन, सबका दर्शन, हम लोग बड़े भाग्यवान हो इस महीना में। जब आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, इतनी अवस्था में एक ब्राह्मण, धनाढ्य ब्राह्मण वहां पर आया अपना परिवार को साथ में, आ करके उन्होंने परिवार को साथ में त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करके वहां पर एक जाला को गोबर मिट्टी से लिपा पता लगाया और उसको अंदर में चंद्रताप होता ना, जो चांदुआ होता है, चांदुआ को लगा दिया और एक सोने के सिंहासन गोबर में शालग्राम को वहां पर स्थापन किया और अपना परिवार को साथ में बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने खाना बनाया है, चावल दाल सब्जी डोसा इडली सांभर है पिज्जा पर बड़े सुंदर सुंदर वहां पर है, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर वहां पर खाना बनाए। खाना बना करके ठाकुर जी को तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके परिवार को साथ में बड़े सुंदर जय जसो मति नंदन ब्रज वरनाय गोकुल जन गान गोपी भयाय लन मालन मनोहर कालिया चिड़िया थे उनको भी खाना खिलाया, जैसे कोई भूखे नहीं रह जाए, यहाँ पर सबको भोजन मिलनी चाहिए, उन्होंने सबको उन्होंने भोजन करवाया। जब सब लोग भोजन कर लिए, अभी जो बच्चा हुआ जो प्रसाद है, फिर उन्होंने बच्चा हुआ प्रसाद को उन्होंने बैठ करके परिवार को साथ में पाए, प्रसाद पा करके फिर उन्होंने सबको प्रणाम किया और जाकर जो ठाकुर थे ना शालग्राम थे उनको पास में गए, जाकर बोले ठाकुर जी आज हमने जो कुछ यहाँ पर पुण्य अर्जुन किया है, जो कुछ भोजन दान दक्षिणा हमने जो कुछ किया ठाकुर जी, इसका जो फल है ना आपका हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को सब कुछ अर्पण करके जब वहां से वो जाना चाह रहे थे, बस नारद तो वहीं पर बैठे थे, वो सारी चीज को देख रहे थे, आदमी क्या कर रहा है, देखो इतने धनीवानी व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म हुए, कोई अभिमान नहीं है, कोई अभिमान नहीं, अपना हाथों में खाना बनाए, ठाकुर को भोग लगाए, अपना हाथों से खिलाए, कोई जैसे भूखे नहीं रह जाए, जो बच गया उसको परिवार को साथ में खाए, फिर उसको बाद में जो पुण्य मिला वो सबके लेकर ठाकुर जी का अर्पण कर दिया, ठाकुर जी आप सबका आपके चरण में अर्पण है। देखो कितने बड़े साधु है, कितने बड़े साधु है, इसको देख करके नारद जी तो बस वहां पर नारद जी आ करके बोले श्री ब्राह्मण देवता की जय। बोले ब्राह्मण देवता मैं सारे चीज बैठी बैठी देख रहा था, आप क्या क्या कर रहे थे, सचमुच से ये दुनिया में
कोई अगर भगवान के सबसे प्रिय भक्त है ना, आप जैसे भक्त हमने कभी जिसको देखा नहीं है। इतने बड़े ब्राह्मण होकर के स्वयं है अभिमान होता ना ब्राह्मण का, लेकिन कोई अभिमान नहीं, सबको सेवा करना, सब सेवा ये करना। हमने तो देख कर धन रहे सचमुच से आप भगवान की सबसे प्यारे भक्त, जगत में भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र आप ही हो। देखो भक्ति की एक गुण होता है, तो क्या गुण होता है कि जैसे किसी वृक्ष में जब कोई फल ज्यादा आ जाए ना, तो फल पेड़ क्या होता है झुक जाए, वो कभी सीधा नहीं होता है, हाँ वो कभी सीधा नहीं होगा, अपनी आप झुक जाएगी। क्या उसी तरह जिसको अंदर में जितने भक्ति आएगी, वो व्यक्ति अपनी ही अपने आप झुक जाएगी, कभी उसके अंदर में अभिमान नहीं आएगा। ये भक्ति की एक विशेष गुण है। अगर किसी भक्तों को पहचानना है ना, ये एक विशेष गुण भक्तों को पहचानना है। राधा रानी से बड़े भक्त कौन हो सकते हैं बताओ? राधा रानी क्या कहती है? मेरे अंदर में तो कृष्ण का प्रति प्रेम का गंध तक भी नहीं, इसलिए कहते आशीष संपादरतां विनष्टं मां मदर्शन मर्महत कर्तुवा जता तता विदधात लंपट मत प्राणनाथस्थ सर्वनाथ। राधा ने कहती है कृष्ण अगर प्यार नीचे में को रोग डाले, जितने निर्यातना दे, जितने दुख कष्ट जो कुछ दे, लेकिन हम तो भगवान की कृष्ण की कृष्ण ही मेरे प्रियतम है। इसलिए भक्ति के एक विशेष गुण है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनांगमान देना कीर्तनीय सदा। इसलिए भगवान की कीर्तन करने के लिए चार ही गुण की जरूरत है। क्या है बोले त्रिन से भी ज्यादा दीन है। उससे भी जैसे आप चलते हो, जैसे घास पर प्यार पड़ जाता है वो तो नीचे कर देता है, लेकिन जब प्यार उठता है फिर सर ऊपर उठा देता है। नहीं, उससे भी ज्यादा निश्चय बना और पेड़ से भी ज्यादा सही सुन होनी चाहिए। पेड़ से भी कैसे रास्ता में जा रहे हो, देखा है कि पेड़ है, बड़ी धूप कड़ी धूप है, जेठ महीना कड़ी धूप है, आपने देखा पेड़ के ऊपर में आम का पेड़ बड़ा सुंदर आम है, उठाया एक पत्थर मारे पेड़ को, लेकिन मारा तो पेड़ को, लेकिन पेड़ ने क्या किया फल दे दिया। आपने मारा पेड़ को पत्थर, लेकिन उसने क्या किया आम देख मीठा फल दे दिया। अब देखा बड़ी सुंदर छाया है, नीचे गंदा है, कैसे बैठूंगा, वो पेड़ का टहनिया को तोड़ दिया, लेकिन पेड़ ने टहनिया तोड़ के नीचे बिछा कर भी गंदा है, लेकिन पेड़ ने क्रोध किया आपको, बोले तुमने मेरे टहनिया को तोड़ कर छाया नहीं दूंगा, ऐसे बोलता है नहीं, तभी आपको छाया देती है। और इसको अंदर भी इतनी सहन शक्ति, फिर उसको अंदर परोपकार है, हमें परोपकार करनी चाहिए। देखो पत्ते से, अब देखना हम गांव में पत्ते से सारे रसोई बनाते हैं, गांव में सारे पेड़ का पत्ते से ही उनको रसोई बनती है, पेड़ का छिलका से दवा भी बनता है, रसोई भी बनता है, पेड़ का लकड़ी से जितने घर की देखो सारे सब कुछ लकड़ी से बना हुआ है, है? इसलिए उसके अंदर परोपकार का भावना भी, उसके अंदर में परोपकार का भावना, इसलिए वृक्षों के अंदर में इतनी सहन शक्ति, इसलिए कहते वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। और खुद अमानी बनो, कभी ये मत इच्छा करो अरे मेरे को उसने ये मान नहीं दिया, उसने मेरे को मान नहीं दिया, उसने हमें अपमान किया, नहीं, खुद मान की इच्छा मत करो और सबको जथा जुके सम्मान। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जीव को क्यों सम्मान दे, सबका हृदय ठाकुर बैठे बैठे नहीं ठाकुर, सबका हृदय परमात्मा रूप में भगवान ही सबके हृदय में बैठे है, हाँ? इसलिए बोले जीव दया, इसलिए जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। बोले कैसे दया करनी चाहिए, बोले कृष्ण नाम जीव दया कृष्ण नाम, कैसे उसको दया करनी चाहिए, बोले भगवान के नाम को द्वारा उनको दया करो। और दुखी दरिद्र को महाप्रभु स्वयं कांगाल भोजन कराया करते, जो कांगाल लोग होते थे ना महाप्रभु उनको भोजन कराते थे, लेकिन उसमें सावधानी है, जिसमें क्या है ऐसे ने खाना बनाया उनको खिलाया नहीं, उनको पहले भगवान का भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, ये क्या हो गया भगवान का प्रसाद हो गया, फिर भगवान का प्रसाद प्रदान करो। ऐसे ने खाना बनाकर दिया उसमें कोई लाभ नहीं, बल्कि उसमें नुकसान ही है, बल्कि उसमें नुकसान ही है, उसका भी कोई कल्याण नहीं, हाँ आपका तो कल्याण होगा,
लेकिन ज्यादा पाप ही लगेगा, बोले पाप ही लगेगा। एक चीज समझ लो, अब बड़े सूक्ष्म विचार है। जैसे कोई दुखी व्यक्ति, हम सोचते हैं उसको हमने कुछ दान किया, परोपकार किया, लेकिन कहते परोपकार नहीं किया। बोले एक व्यक्ति दुखी क्यों भोग कर रहा है? कारण है पूर्व जन्म का कर्म का फल है। इतने कोई पुण्य नहीं किया उसने, इसलिए इस जीवन में दुख दारिद्र भोग कर रहे। हमने सोचा पुण्य किया, पुण्य नहीं किया पाप कर दिया। बोले क्या किया? बोले कोई चीज उसको दान दिया। बोले ऐसे थोड़ी दान दे दिया, तुम्हारे अंदर में कुछ भावना है, जब उसको दान देंगे हमें पुण्य मिलेगा। उसको जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना, तुमने सारा ले लिया। वो वैसे तो दुख भोग कर रहा है, पुण्य है नहीं, लेकिन तुमने उसको दे करके उसका जो थोड़ी बहुत पुण्य था ना, तुमने सब और ले लिया। मतलब उसको ज्यादा गड्ढे में तुमने डाल दिया। समझ रहे कि नहीं? वो क्यों दुख भोग कर रहा है? पूर्व जन्म का पाप से, पुण्य नहीं, लेकिन तुमने दान दिया। दान दे करके, दान दे क्या हुआ, उसको जो थोड़ी बहुत था ना, वो झट तुम्हारे पास में आ गया। अब वो और भी नीचे वो चला गया। इसलिए कहते जीव को दया कैसे करनी चाहिए, महापुरुष सिखा दिया। बोले उनको भगवान का प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खिला से क्या होगा? बोले प्रसाद सर्व दुखा नाम कृष्ण कहते हैं, हानि रस उपजाती। जब किसी व्यक्ति को भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, उसका जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है, आपका भी कल्याण होगा। क्यों? भगवान का प्रसाद दिया, उसका भी कल्याण और आपका भी कल्याण। इसलिए और भगवान की नाम को देख करके उनको कल्याण करनी चाहिए। भगवत नाम से जीव को ये भव बंधन से चिरकाल के लिए मुक्ति मिलती है। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी कांगाल भोजन कराया करते थे, लेकिन ऐसे खाना नहीं, भगवान को भोग लगा करके उनको प्रसाद देते थे। प्रसाद देते थे, धन्य से उनका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण है। इसलिए भक्ति का ये विशेष गुण है, सबका सम्मान देगी, स्वयं सम्मान की भूखे नहीं रहेगी। हैं? इसलिए कहते चारी गुणे गुण हरिया करह कीर्तन। इसलिए चार गुण में गुणी होकर के बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नारद जी जब उनको जाकर के उनकी महिमा को बताए, बोले आप जैसे भगवान के भक्त जगत में कोई है नहीं, जगत में सबसे बड़े भक्त है। बोले आप मेरे को भक्त कह रहे, मेरे अंदर भक्ति का भाव ही नहीं। अब क्या मेरे अंदर में देखा भगत कह रहे हो? मेरे ऐश्वर्य को देखा है ना, मेरे दान को देखा है ना, मेरे सेवा को देख करके आप मेरे को कह रहे हैं ना बड़ा भक्त है। आप अभी दुनिया को जानते नहीं, देखे नहीं, इसलिए आप मेरे को भक्त कह रहे हो। भक्त देखना है, जाओ दक्षिण भारत में चले जाओ। दक्षिण भारत में वहां पर राजा को देखो, वहां राज्य में देख कर दक्षिण भारत में, आप गए तो दक्षिण भारत है ना, इसलिए वहां पर जा करके देखो। यहाँ पर तो हमारे पास में शालग्राम है, लेकिन आप वहां जाकर देखो कि भगवान नारायण के दर्शन। जैसे आप यहाँ पर दिव्य मूर्ति है ना, कितने दिव्य मूर्ति है? 108 दिव्य मूर्ति है। जिस मूर्ति को शायद किसी ने बनाया नहीं होगा, वो स्वयं प्रकट विग्रह है, स्वयं दिव्य मूर्ति। आपका इधर 108 दिव्य मूर्ति यहाँ पर है। स्थान स्थान पर मंदिर संख्यात रूप में भगवान को दर्शन वहां पर मिलेगा। और वहां पर राजा इतने दानी है, इतने राजा दानी है, हर जगह जगह पर तो मंदिर है, और वहां पर कितने यात्री बाहर से, कितने भक्त लोग आ रहे हैं। और हर मंदिर में जाकर के देखोगे ना, वहाँ प्रसाद आपको फ्री से मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, फ्री में राजा का हर जगह पर प्रसाद, सभी जितने अतिथि अभ्यागत साधु संत सभी के लिए प्रसाद, सब प्रसाद पा, प्रसाद पा करके। और देखोगे जगह जगह पर सत्संग हो रही, क्योंकि सारा दुनिया से साधु लोग आ रहे हैं, रहने का कोई चिंता नहीं, खाने का कोई चिंता नहीं, फ्री में। इसलिए साधु संग दूर दूर से साधु आते हैं, और आकर के हर जगह जगह पर सत्संग हरि कीर्तन। और वहां पर राजा इतना बड़े राजा होते हुए भी अभिमान नहीं, हमारे अंदर में थोड़ी अगर थोड़ा पैसा आ जाए अभिमान आ रही, हमारे पास इतने पैसा, आप ठाकुर का सेवा कैसे करके पूजा करे, नहीं। वो राजा रानी और अपना बच्चों को लेकर के ये स्वयं सारे सेवा ठाकुर जी को अपना हाथों से करते हैं, हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं। आप देखोगे और देखोगे क्या देखोगे, उनको देश में जैसे हम खेती करते हैं ना, मिट्टी को
पहले खेती करते हैं, उसके बाद में बीज बोते हैं, बोले वहां जरूरत नहीं, बीज अपने आप गिरता है, बीज कहीं से भी बो दो, इतने फल फूल है, चिड़िया खा रहा है, उनको लोग खाने के लिए लोग नहीं है। बोले ऐसे क्यों? बोले कारण है कि अपने कारण है, वो देश में सबके सब भगवान की भजन करने वाले, सबके सब भगवान की भक्ति करने वाले। जब कोई भगवान की भक्ति करते ना, भजन करते हैं, ये पृथ्वी अपने आप, जैसे एक बच्चा अगर अच्छा हो तुम्हारे, बड़े आज्ञाकारी बच्चा, पिता माता की सेवा करता है, पिता माता क्या करेंगे, सब उसको पीछे डर होते, बेटा इतने अच्छा बेटा, हाँ आधे से देने से पहले सारी सेवा करना है, पिता माता क्या चाहते हैं, सब उसको दे देना चाहते हैं, बेटा हलते फुलते रहो, आशीर्वाद दो, हाँ। इसीलिए ये पृथ्वी ये माँ है, ये जब देखती है कि पृथ्वी सबसे ज्यादा कब संतुष्ट होती है, जब मेरे पृथ्वी के ऊपर बच्चे भगवान की भजन करे, क्योंकि हम उनके सबके सब ऋणी भगवान के हैं, हाँ। इसलिए जिस समय भागवत में कथा आती से बरा दे, जब ये पृथ्वी को उन्होंने उधार किया और श्री मनु महाराज ने राज्य स्थापन की, दधिस्मृति नाम का राज्य को स्थापन की, उसी समय ये पृथ्वी देवी को प्रश्न करती है, पृथ्वी से अभी सृष्टि प्रारंभ हुई है, पृथ्वी को प्रश्न करती है, भगवान प्रश्न करते बोले पृथ्वी अभी जीव तेरे ऊपर में निवास करना शुरू करेंगे, जब जीव तुम्हारे ऊपर में निवास करेंगे, जीव को कुछ देनी चाहिए, जीव को कुछ देनी चाहिए, पृथ्वी में खा रहे हो पी रहे हो कुछ देनी चाहिए ना, भगवान प्रश्न करते तुमको क्या देने पर तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगे। देखो पृथ्वी क्या कहती है, पृथ्वी कहती है बोले एक चीज पर मैं खुश रहूंगी, हे प्रभु अगर ये सारे जीव तेरा अगर भजन करे ना, तेरे भक्ति करे, तेरे नाम करे, तेरे कीर्तन करे, मैं अपने आप प्रसन्न रहूं, क्योंकि पृथ्वी का स्वरूप तो आप हो, दुनिया आपकी सृष्टि किया ना दुनिया को, इसलिए जीव जब भक्ति करेंगे तब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए भागवत में कथा की है, जो बैल राजा आए, उसी परंपरा में जो बैल राजा आए, बड़े नास्तिक बने, बोले भगवान का कोई नाम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, भगवान का कोई कीर्तन नहीं कर सकते हैं, कीर्तन करना था मेरे कीर्तन कर, मेरे नाम लो। उसी समय ये पृथ्वी सबके सब बने, दस सु डाकू हो गए सबके सब उस समय, और उस समय भगवान के भजन भजन छोड़ दिया, और ये पृथ्वी है ना कोई सस्य नहीं, अकाल पड़ गया दुनिया। जब अकाल पड़ गया, फिर जब बैण राजा को जब ऋषियों ने मार डाले, फिर शरीर को मंथन किया, फिर उसमें पृथु महाराज प्रकट हुए, पृथु महाराज स्वयं भगवत अवतार है, भगवान का अवतार पृथु महाराज। पृथु महाराज को पास में आकर के जितने सब प्रजा लोग हाहाकार करने लगे, बोले प्रभु हम बीज बोते हैं पृथ्वी में, लेकिन कोई वृक्ष नहीं होता, पृथ्वी सब कुछ शोषण कर लेती है, जल नहीं, हाहाकार मच गया दुनिया में, खाना पीना कुछ नहीं, बचाओ बचाओ। उस समय पृथ्वी महाराज को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने धनुष उठाया पृथ्वी के ऊपर में, बोले तुम अगर सस्य उत्पादन नहीं दोगे, धनुष उठा कर तुमको तसनस कर दूंगा। पृथ्वी स्वयं प्रकट हुए, प्रभु माँ अगर माँ बच्चों को कभी कभी शासन करती, बोले कब शासन करती, बोले बच्चे जब आदेश से बाहर जाए, बच्चे जब दुष्ट हो जाते हैं तब माँ कभी कभी उसको शासन करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही थी, ये बच्चे अभी पृथ्वी को भर में आपका भजन करना छोड़ दिया, कोई तरह नाम ले रहे नहीं, भजन नहीं कर रहे, कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं असंतुष्ट होकर के मैं कोई चीज नहीं दे रहा हूँ। अगर आप बेड़ा उठाओगे, जीवों को भगवान की भक्ति कराओगे, कराओगे भजन कराओगे, फिर मैं सब कुछ दूँ। इसलिए फिर उन्होंने पृथ्वी से सब कुछ, इसलिए पृथ्वी का एक नाम रखना कर, सब कुछ उन्होंने प्रदान किया। इसलिए कहते वो जो राजा थे दक्षिण देश का राजा, क्योंकि सारे प्रजा भगवान का कीर्तन करते हैं, भक्ति करते, भजन करते हैं, कहते बिना खेती के इतने सस्य फल फूल तथा खाने वाले लोग नहीं इतने, बोले क्यों, बोले पृथ्वी प्रसन्न होकर दे रही, बोले बेटा तुम भजन कर रहे हो ना, सब सद्मार्ग में हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, भगवान खाओ खूब पियो खूब मस्त रहो, क्यों तुम लोग भगवान की भक्ति करते हो, इसलिए ये पृथ्वी इतने सब कुछ उन्होंने प्रदान की। इसलिए श्री नारद जी को तब ब्राह्मण जी ने बताया, भक्त देखना चाहते हैं ना, जाओ चली जाओ दक्षिण देश में, देखो कैसे वहां पर भक्त है, राजा को देखो, परिवार को साथ में कैसे ठाकुर की सेवा हो रही है, कैसे परिवार को साथ में प्रभु की भक्ति करते हैं,
इतना जो बोले ना, नारद तो बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े प्रसन्न होकर के नारद जी अपना बीणा उठाया और बीणा उठा करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद उससे ज्यादा देखा। वो जिधर देखे सब गला में कंठ, सब तिलक लगाए हुए हैं, सबके सब तिलक ललाट कोपर में, सबके सब माला, सबके सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, सबके सब भजन, सब तिलक माला कंठी सबके पास में, और सबके सब जहां जहां जाए खाने पीने का कोई कमी नहीं। भंडारा में बुला बुला करके आ जा बाबा भोजन कर लो, जो बुला बुला करके सब जगह प्रसाद दे रहे हैं। जहाँ जाओ कितने यात्री कितने अतिथि आ रहे हैं, हर मंदिर मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद खाओ और सत्संग सुनो यहाँ पर, और भगवान का कीर्तन करो भक्ति करो हाँ। और राजा रानी कोई अभिमान नहीं, अपना पत्नी बच्चे सबको लेकर के भगवान की भजन कीर्तन। बास नारद जी ने कहा महाराज सचमुच से मैंने जो सुना था ना उसे ज्यादा देखा, भगवान की ना आप सबसे बड़े कृपा पात्र, मैंने अपना आंखों से देख लिया। आपका अंदर में कोई मान अभिमान कुछ नहीं, परिवार को साथ में आप भजन कर रहे, भक्ति कर रहे हो, भगवान जी सबसे अगर कोई बड़ा कृपा पात्र है ना बस आप ही हो। इतने नहीं बोले आप मेरे को भगत कह रहे हो, हमको भक्त कह रहे हो, आप भक्ति करते हैं, आप देख नहीं है दुनिया को कुछ है, इसलिए हमारे अंदर में तो भक्ति का भतक भी हमारे अंदर में नहीं है, है? हम लोग तो मानव है, हम लोग ये मरते जगत में रहते हैं, इसलिए मरते जगत में होने का नाते ये आध्यात्मिक आदि दैवी और आदि भौतिक जन्म मृत्यु चरा और व्याधि ये जो सात तरह का दुख हमारे ऊपर जरूर आएगा। संसार में जन्म लो तो आपको ये सात तरह का दुख आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, कोई बोलो सकता मैं बुढ़ापन नहीं बनूंगा, भले जितना चवनप्राश खा लो भले जितना जिम कर लो, कोई बोल सकता है बुढ़ा कभी नहीं बनूंगा बोल सकता है, इसलिए कोई बोल सकता है कोई मरूंगा नहीं, कोई ऐसे बोल सकता है, ऐसे कोई बोल सकता है जन्म नहीं लेंगे, इसलिए इसी जगत में और मानसिक कष्ट सारी कष्ट देवता द्वारा कष्ट जीव जीव का प्रति कष्ट यहाँ पर आने पर कंपलसरी सात तरह का कष्ट तो सबको भोगना पड़ेगा ही, इसलिए इसका नाम मर्त्यलोक। मर्त्यलोक मतलब जो जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा ही, और आयु कितना बोले स्वल्प आयु है, ऐसे नहीं हम इतने साल तक जिंदा रहेंगे किसको पास में कोई गारंटी कार नहीं, इसलिए हम कहते हैं ना भजन कर बोले अभी क्या तो समय जा रहा है, पड़ा हुआ है बाद में भजन कर लेंगे, अभी इतना जल्दी क्यों कर रहे हो भजन के लिए। बोले नहीं भैया विश्वास है नैव विश्वास, तुमने एक बार जो श्वास लिया दूसरा श्वास छोड़ पाओगे तुम्हारे पास में कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मर्त्य जगत है सबको मरना पड़ेगा। कब आएगा ना वो बोल करके नहीं आएगा, हाँ इतने बजे भज में आने वाला हूँ वो बोल करके नहीं आएगा, हठात आएगा और लेकर के चला जाएगा, इसलिए मरते जगत है और सबके सब भीत है, सब डरे हुए, डरे हुए कि नहीं लड़का नहीं चले जाए, धन नहीं चले जाए, बीवी नहीं चले जाए, बच्चे नहीं चले जाए, नौकरी नहीं चले जाए, काम धंधा नहीं, सबके सब हम यहाँ पर डरे हुए, सबके सब भीत है, सबके सब भीत हुए, इसलिए इसको ये मरते जगत बताया। इसलिए बोले बोले आप बता रहे हो हम बड़े भाग्यवान, हमको पता नहीं, हाँ अगर आप भाग्यवान देखना चाहते हो ना जाओ स्वर्ग में इंद्र को जाओ, वहां पर जो देवता लोग है, देवता मतलब दिया वो कोई बूढ़े नहीं होते, हर समय एकदम टीन एज के रहते हैं,
एकदम उनका उम्र कभी बढ़ती नहीं घटती नहीं, उनका बुढ़ापा कभी नहीं आता है। और वो लोग जिनको हम पूजा करते हैं, देवता को हम लोग पूजा करते, वो हमारी इच्छा अनुरूप वर प्रदान करते हैं। देवता लोग जैसे मांगो वैसे देते हैं, इसलिए निर्जरा उनको बताया हाँ, उनको कभी बुढ़ापा शरीर में नहीं आती है। और जैसे इच्छा करते हैं वैसे दमन करते हैं, यहाँ बैठे इच्छा करें बम्बे जाने के लिए बम्बे पहुंच जाएंगे, अमेरिका जाने के लिए झटा अमेरिका पहुंच जाएंगे, स्वर्ग जहाँ चाहेंगे वहाँ देवता अपना मनमान करने से जहाँ चाहते हैं सर्वत्र ही देवता लोग गमन करते हैं। इसलिए और हमारी इच्छाओं को ये पूरी करने वाले दीर्घायु है, और इनके अंदर में भोग की जो शक्ति हमसे हजार गुण भोग की, हम जैसे हम थोड़ी सी खाएंगे उसे ज्यादा नहीं खा सकते, भोग हमारा लिमिटेड, उनका भी भोग का भी लिमिटेड नहीं। और स्वर्ग में वह रंभा उर्वशी मेनका, यहाँ का जितना स्त्री सुंदरी है ना, इससे पृथ्वी का सारे स्त्रियों का सुंदरता एक प्रकट कर लो, इनकी सारे सुंदरता मिल जाएगी ना, एक स्वर्ग का एक अवसर के साथ में बराबर होगा। समझो वहां पर स्त्रियां कितने सुंदरी रंभा उर्वशी मेनका अप्सरा वहां पर है, और इनका स्वर्ग में वहां पर क्या बोले, वहां पर ऐरावत हस्ती, हाँ वहां पर ऐरावत हस्ती उच्चे सर्वा अश्व वहां पर, और वहां पर काम धनु गाधि, जैसे हमारा यहाँ पर ना गैया एक बार दूध देगा, वहां पर जब इच्छा तब दूध तो निकाल सकते हैं, एक काम धनु में इतनी शक्ति जो मांगो वो सब कुछ दे सकती है। और वहां जब पारिजात पुष्प वो फूल कभी नहीं मुर जाता है, और वहां कल्प वृक्ष स्वर्ग में, वहां कल्प वृक्ष वहां पर कहते हैं सनातन गोस्वामी, वहां के एक फूल में इतने शक्ति, एक फूल में आप एक फूल से जो मांगोगे आप उसको दे देंगे, जो कुछ खाना चाहोगे पिज्जा पास्ता इडली सांभर आप जो मांगोगे ना, हमको ये खाना चाहिए चाइनीज डिश, जो कुछ भी मांगो एक फूल आपको खाना दे देगा। नृत्य गीत वाद्य चर्ब चुष्य लज्ज पेय एक फूल से आप सब कुछ पा सकते, एक फूल तुम्हारे सब इच्छा को जैसे पहनना चाहते हो, जैसे घर में रहना चाहते हो, कहते एक फूल तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है। अरे हमारे यहाँ पर घर कैसे बना हुआ देखो, सब ईंट पत्थर से, हमारे ईंट पत्थर नहीं सब सोने चांदी से बने हुए, यहाँ पर कोई बल्ब की जरूरत नहीं, एक मणि रख देते वो अपने आप आलोक होता है मणि से, यहाँ इलेक्ट्रिक लोड सेटिंग वहां पर क्योंकि नहीं होगी, मणि से सब अपने आलोक, इसलिए अद्भुत अद्भुत चीज है स्वर्ग में, अद्भुत वहां पर वस्तु स्वर्ग में, हाँ आप देखना चाहते हो। और उनको अंदर में सबसे जो बड़े इंद्र है, सबसे बड़े श्री इंद्र है, और इनके अधीन में ये चंद्र सूर्य ये सबके सब इनके अधीन में रहते हैं। इसलिए आप भगवान का कृपा पत्र देखना चाहते हो, साक्षात रूप में जो भगवान वामन देव है, यहाँ पर तो विग्रह रूप में देख रहे हो, लेकिन भगवान इतने संतुष्ट हुए भगवान उपेंद्र रूप में, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई है, जिस समय बलि महाराज ने सब कुछ हड़प करके ले लिया था, उस समय में ये उपेंद्र रूप में भगवान वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, मतलब उनको छोटे भाई रूप में वहाँ डायरेक्ट दर्शन भगवान जाओ वहां पर बास नारद जी उठाया बिना और स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में सचमुच से वहां पर जो पहुंचे ना, देखा सचमुच से वहां पर सुधर्मा सभा लगा हुआ, और भगवान गर्भ ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी, और वहां पर इंद्र उनका सहस्र नयन से अश्रु विसर्जन करते हुए भगवत कीर्तन कर रहा था, और वहां पर सुंदर नृत्य कीर्तन वाद्य बज रहा था, अप्सरी रंभा नृत्य कर रहे थे वहां पर है, और भगवान सबका आशीर्वाद दे रहे थे इंद्र को, बोले कोई चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारे छोटे भाई रूप में हूँ, कोई दैत्य भैत्य का कोई डर भाई नहीं, सबका आशीर्वाद दे रहे थे, और वहां पर बड़ा सुंदर नृत्य कीर्तन आनंद चल रहा था। लेकिन वहां पर जब श्री नारद जी वहां पर पहुंचे, पहुंच करके बोले महाराज श्री इंद्र की, बोले महाराज इंद्र भगवान के आप सबसे बड़े कृपा पात्र, अगर दुनिया में कोई है आप दुनिया में सबसे भगवान के बड़े कृपा पात्र, आप जैसे भगत जगत में कोई, मैं पता चले गया आज मेरे को, हाँ देखो साक्षात ठाकुर साक्षात यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ? जो ये बात बताए फिर इंद्र ने फिर बताने लग गया अपना कवि को बताने लग गया, कितना टाइम हो गया
और 10 मिनट 9 बजे ठीक है, फिर हम कल सुनेंगे फिर इंद्र क्या बोलता है उसके अंदर में क्या कमी, इंद्र क्या बोलता है, फिर इंद्र भेजेंगे फिर ब्रह्मा को पास में, फिर ब्रह्मा भेजेंगे शंकर जी को पास में, फिर शंकर जी भेजेंगे प्रहलाद को पास में, फिर प्रहलाद महाराज आगे धीरे 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 फिर वो नारद एक को पास में, दूसरे दूसरे को पास में, तीसरे। हाँ ये ग्रंथ इतना अद्भुत ग्रंथ है, उसमें इतने अच्छे तरह से समझाया जीव को धीरे 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 लास्ट तक ब्रज में जा करके पहुँचेंगे, फिर देखेंगे भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन है, हम उसको कल सुनेंगे। ठीक है।